नमस्कार। आज की कविता का नाम है चुप्पी। इसमें कवि कहते हैं कि हम बोलना तो सीख लेते हैं बहुत जल्दी, पर कब, क्या और कैसे बोलना है ये शायद बरसों तक हम सीख नहीं पाते। बोलना तो सीख जाते हैं बहुत जल्दी, मगर चुप रहना हम बरसों तक नहीं सीख पाते। तो आइए सुनते हैं कविता। आज की कविता का नाम है चुप्पी। बोलना तो हम सीख लेते हैं, बोलना तो हम सीख लेते हैं 6 महीने में। बोलना तो हम सीख लेते हैं 6 महीने में, पर चुप रहना सीख नहीं सकते 60 बरसों में। बोलना तो हम सीख लेते हैं 6 महीने में, पर चुप रहना सीख नहीं सकते 60 बरसों में। सही समय पर सही बोलना, सही समय पर सही बोलना, सही समय पर सही बोलना आसान काम नहीं। इसी तरह चुप रहना भी कम मुश्किल काम नहीं। सही समय पर सही बोलना आसान काम नहीं। इसी तरह चुप रहना भी कम मुश्किल काम नहीं। बोलना बड़बड़ करना, बड़बड़ करना यानी बहुत ज़्यादा बोलना, बोलना बड़बड़ करना किसी को भी आ सकता है। बोलना बड़बड़ करना किसी को भी आ सकता है। कम बोल कर मतलब समझाना आसान काम नहीं। कम बोल कर मतलब समझाना आसान काम नहीं। आगे सुनिए। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, जुमला बड़ा आसान है। जुमला ही तो है। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, जुमला बड़ा आसान है। चुप रहकर काम बनाना इतना सरल काम नहीं। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, जुमला बड़ा आसान है। चुप रहकर काम बनाना इतना सरल काम नहीं। और अब आगे सुनिए, अंतिम पंक्तियाँ सुनिए, गौर फरमाइए। कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ बिना मतलब बोलो मत ज़्यादा। कम खाओ गम खाओ बिना मतलब बोलो मत ज़्यादा। चुप रह कर भी बात बनाओ अच्छी रहेगी सेहत और मर्यादा। कम खाओ गम खाओ बिना मतलब बोलो मत ज़्यादा। चुप रह कर भी बात बनाओ अच्छी रहेगी सेहत और मर्यादा। थैंक यू।